बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नन और मैं हूँ भाभी। और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है भाभी? आज हम बनाने वाले हैं फलाफल, ठीक है। जिसके लिए हमने ये एक प्याला जो है सफेद चने लिए थे, जिसको हमने ओवर नाइट रखा हुआ था भिगो के। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया, गला लिया हमने अच्छे से, ठीक है। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें से हमने ये हरा मसाला लिया है, धनिया ली है हमने थोड़ी सी, 4 से 5 हमने हरी मिर्ची ली है, एक छोटे साइज के प्याज लिए और 2 लहसुन के टुकड़े लिए, और 1 चम्मच ये जीरा है, व्हाइट जीरा है, इसको हम भून के कूटेंगे, और ये आधा चम्मच नमक है क्योंकि हम छोलों में नमक डाल के बॉईल कर चुके हैं। ये 3 चम्मच हमने खाने के, 3 चम्मच हमने बेसन लिया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया। चलिए आइए बनाते हैं। ये देखिए हमने सफेद जीरा जो लिया था उसको हमने भून के हल्का सा कूट लिया है, इसको हम डाल देंगे इसमें, इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर और ये नमक, और ये जो है मसाले जो साबुत है हमारे, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और हरा धनिया, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। इसको पीस लिए, बहुत अच्छे से पीस लिया। अब हम इसको पहले हम जो है ये जो बेसन था ये बेसन मिलाएंगे इसमें और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको आधे घंटे तक रखेंगे। अच्छा भाभी, हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा पीसना है चॉपर में डाल के? हाँ बिल्कुल बारीक सा। ये देखिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको, अब हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे। देखिए आधा घंटा हो गया, अब हम इसके छोटे छोटे से गेंदे बना देंगे, बॉल्स बनाएंगे, जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बनाइएगा। ओके, हमें बड़ा पसंद है, छोटे बॉल्स बनाने हैं, बड़े बॉल्स बनाने, ठीक है। इस तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे और आते जाते लोगों को मारते रहेंगे। देखिए हमने ये बॉल्स बना लिए और तेल गर्म हो चुका है, आप एहतियात से हम एक एक करके डालेंगे इसमें, और हम एक तल भी चुके हैं। हाँ एक तला भी है हमने, क्योंकि हमारी नन को खाना था। देखे भाई, अब ये एक एक साइड से जब गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसको पलटेंगे। ऑयल के अंदर कितनी है? 7 लोगों में तसादुम हो गया। लहरें जारी हो रही है भाई। भाभी इस मतलब बिखरने के लिए कोई टिप बताएं कि अगर बिखर गए किसी के तो क्या होगा, क्या शामिल करें कि नहीं बिखरे? आप इसमें फिर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भाभी, ठीक है, और चाहे तो आप आटा भी यूज कर सकते हैं। आप अपने फलाफल देखें प्लीज। ये देखिए हो चुके हैं, ये हम अब इस तरह पलटेंगे। अगर बेसन जैसे आपके पास ना हो तो आप घर में नॉर्मल जो आटा होता है वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। वैसे बेसन से बाइंडिंग अच्छी हुई भाभी, मैंने देखी है ना, तो बनाए इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। और पसंद आते हैं तो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और देखिए आप ये अपने बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। बिल्कुल ताकतवर चीज है भाई। हाँ बिल्कुल। देखिए ये हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये लें, बिना शीरे के गुलाब जामुन रेडी है। फलाफल रेडी है मींस। ये देखें बिल्कुल तैयार हो, बहुत मजे के लग रहे हैं। ये देखें, बनाइएगा इंशाल्लाह, जरूर पसंद आएंगे, पसंद आएंगे आप लोगों को और आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे, और आप अपने गेस्ट के आगे रखेंगे उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बिल्कुल, और पसंद आए तो जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लग रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।